मारो गांव के गन्ने के खेत में एक चुड़ैल रहती थी। उसे कभी किसी ने देखा नहीं। एक बार रात को मैं उसी खेत से घर की ओर जा रहा था, तभी वो चुड़ैल मारो सामने आई। मैंने धर्मवीर से कितनी बार बोल लिया है, ऐसे रात में मारे को घर से ना निकाला करे। आखिर मैंने उसके प्लेट से थोड़े से चकने ही तो लिए थे। ये कौन है? चेहरा कबूतर जैसे, शरीर पपीते जैसे, जैसे कि रानू मंडल ने मेकअप लगा लिया। अरे दादाजी, वो रानू मंडल नहीं, सोनू मंडल नाम है उसका, कहीं पढ़ा था मैंने। अरे हाँ, वही मोनू मंडल। अभी बात सुनो मेरी, उसके पांव पीछे की ओर थे, फिर उसने मारे से बीड़ी मांगी, मन ने देने से मना कर दिया, तो उसने मुझे कुछ ऐसा बोला जिसे मैं आज तक भूल ना पाया। उसने बोला, अरे माई रे, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज सुन के मारो का नहीं बे, मारो तस्वीर के चीतड़े उड़ गए। बात तो वही हुई, बिल्कुल वही बात हुई। मारो तस्वीर के चीतड़े देख के वो चुड़ैल वहाँ से उल्टे पैर भागी। एक मिनट, उल्टे पैर जो सीधे थे, सीधे पैर जो उल्टे थे, भैंस क्या खूब भागी कैसे। खैर, उस दिन मारो तशरीफ ने मारो जान बचा ली। पापा, आप फिर से वही बच्चों को अपनी झूठी चुड़ैल की कहानी सुनाने लगे। और तुम लोग सुनो, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं आई थी, वो तो तुम्हारी दादी घर से निकली थी इनको ढूंढने के लिए, और गलती से उन्होंने चप्पल उल्टी पहन ली थी। तुम्हें पता है मुझे हॉरर मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज एक तो फालतू और सेंसलेस होता है, और दूसरा मुझे डर लगता है। तेरे अंडे तो आज मैं खाऊंगा। उसके अंडे तो अभी भी वही है, तो उसने कौन से अंडे खाए? हॉरर मूवीज में हॉलीवुड तो फिर भी ठीक है, बट बॉलीवुड हॉरर मूवीज आर स्टूपिड, बिकॉज तुम बॉलीवुड की कोई भी हॉरर मूवी उठा के देख लो, तुम्हें कुछ चीजें सेम ही मिलने वाली हैं। जैसे कि सभी हॉरर मूवीज में एक बहुत बड़ा सा बंगला या हवेली होती है। क्या तुमने कभी देखा है कि 2BHK फ्लैट में कोई भूत रहता हो? भाई इधर भी खिला दे यार। चल बे, तेरे को रहने को घर दिया है वही बहुत है। घर दिया कोई आसान नहीं किया। अच्छा, बाजूबान चल रही तेरी। उस बंगले के पास हमेशा एक बरगद का पेड़ होता है जिसे पे कोई भूत याद मरी डैन लटक रखी होती है। मारो ही बड़ो में नाचो मोर तक थैया थैया है। अबे ओए, तू कौन है और क्या देख रहा है? तेरे घर में चुड़ैल डैन नहीं है क्या? उस बंगले की रखवाली हमेशा एक रैंडम बूढ़ा चाचा हाथ में लालटेन लेके कर रहे होते हैं, और उनका पहला डायलॉग हमेशा यही होता है, बाबूजी यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। एक एक मिनट भाई, मेरे को एक बात समझा, इधर तो कोई रहता भी नहीं है, तो तू किसकी रखवाली कर रहा है? और ये भी बता कि तुझे सैलरी अब तक कौन दे रहा है? वो बंगले के सामने हमेशा किसी अमीर आदमी की गाड़ी खराब होगी। ओह शिट मैन, यो गाड़ी खराब हो गई। क्या तुमने कभी देखा है कि बंगले के सामने किसी गरीब आदमी की साइकिल की चेन उतर गई हो? नहीं ना। और अब उस अमीर आदमी को आसपास की सारी जगह छोड़ के सिर्फ वो बंगला ही दिखाई देगा जिसमें भूत रहते हैं। हाँ, ये जगह खाली लगती है, आज रात दारू पी के यहीं सो जाऊंगा। मतलब कि कुछ भी चल रहा है इधर। एंड हियर इज द थिंग, हॉलीवुड वालों ने हमें भूतों और चुड़ैलों के बारे में क्या बताया है? कि उनके बड़े बाल और नाखून होते हैं, उनके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं, और उनके बड़े नुकीले दांत होते हैं। और बॉलीवुड वाले ने हमें चुड़ैलों के बारे में क्या बताया है? उर्वशी रौतेला, बिपाशा बसु, और उसे कैसे भूल सकते हैं, सनी। हैं? क्या मतलब कि स्क्रीन से हट जाऊं? बॉलीवुड से अच्छी हॉरर स्टोरी तो यूट्यूब वाले सुना देते हैं। हेलो गाइस, आज मैं आपको अपने रियल भूत की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक दिन मैं अपने घर से बीड़ी पीते हुए सीढ़ी से छत की ओर जा रहा था, तभी अचानक से सीढ़ी पर एक चुड़ैल आ गई। उसने सीढ़ी पर खड़े होके मुझसे मेरी बीड़ी मांगी, मैंने बीड़ी देने से मना कर दिया, तो उसने सीढ़ी से मुझे धक्का दे दिया और मेरे हाथों से मेरी बीड़ी छीन ली, और उसने मुझे नाखून भी मारा। ये देखो निशान। देखा, पैसा वसूल हॉरर स्टोरी। रुक भाई, मैं तेरी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करूंगा, और तुम लोग भी अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेकिन उससे पहले वीडियो पूरा देखो। बचपन में मेरी भूतों से बहुत ज्यादा फटती थी। तुम्हें वो कार्टून याद है, करेज द काउली डॉग शो, काली डॉग कायरनली, खैर जो भी हो। अरे वो पिंक कुत्ता, उसमें पत्थर लौटा दो वाला भूत। पत्थर लौटा दो, भाई मेरी रूह कांप जा रही थी उस टाइम। वैसे डर तो अभी भी लगता है। खैर, बचपन में क्लियरिटी थी, भूत मतलब बुरी चीज। फिर जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब मैंने भूत अंकल, भूत ना जैसी मूवीज देखी। इनको देख के पता चला कि भूत बुरे नहीं, भूत तो अच्छे होते हैं। हम तो बेकार में लगे पड़े हैं भूतों को भगाने में।
ए भूत, भाग जाए यहाँ से वरना एक चमाट लगा दूंगा। अरे भाई तुम मुझे भगा क्यों रहे हो, मैं तो अच्छा हूँ, ये देखो। भूत है प्यारा दोस्त हमारा। फिर क्या, अब तो मुझे भी बंकू बनना था, मुझे भी चाहिए था एक भूतना जैसा दोस्त। यार मम्मी पापा आप लोग कैसे घर में रहते हो, एक भी भूत नहीं है यहाँ। मुझे भूत चाहिए, भूत बुरे नहीं होते हैं, वो तो एंजल होते हैं। है? अरे भाई क्या हो गया इसे? पता नहीं, कल तो भूतों से डर के इसने अपने पैंट में मोत लिया था और आज भूत मांग रहा है। अरे हाँ याद आया, इसे भूतों से बचने के लिए मैंने बंगाली बाबा का चूरन दिया था चाटने के लिए, उसी के साइड इफेक्ट लगते हैं ये। अगर तुम्हें सच में भूतों और चुड़ैलों से मिलना है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर ऐसे कई सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसे तुम भूतों को अपने घर बुला सकते हो, बट मैं इसे हाईली नॉट रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि कल को अगर तुम्हारे घर में भूत आ जाते हैं तो तुम यूट्यूब पर वापस आके मेरी ही वीडियो डिसलाइक करोगे। भाई मैं ओआर यू की वीडियो डिसलाइक कर रहा हूँ यार। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? भाई उसने बोला था ये वीडियो देखने से भूत आएगा और कल को आए भी थे और मेरा सारा खून चूस के चले गए, मेरी बीवी के लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ा, इसलिए वो मायके भाग गई। मैंने भी यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो देखी थी जिसमें वो लोग भूतों को बुलाते हैं। तो गाइस आज हम चार्ली चार्ली गेम खेलकर चार्ली के भूत को अपने घर बुलाएंगे। इन लोगों को ये नहीं पता कि चार्ली अमेरिका में मरा है, तो फिर तुम्हारे बुलाने पे वो इंडिया क्यों आएगा? चार्ली चार्ली, अरे यार जीना हराम कर दिया है मेरा। है? वैसे तो मैं मर ही चुका हूँ ना, मर के भी जीने नहीं देते हैं ये लोग। तो गाइस चार्ली को हम लोग घर पे बुला के उससे कुछ सवाल करेंगे और वो हमें उसका जवाब यस और नो में देगा। हाँ चार्ली तो जैसे इनके बाप का नौकर है। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। देखिए दोस्तों अभी हमारे कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तो चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। चार्ली चार्ली आर यू देयर? कैमरा काट दिया ना। हाँ साले रोहन, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब मैं क्वेश्चन करूँ तो तुझे इस स्ट्रॉ से फूंक मार के इस डंडी को हिलाना है और इसी से यस और नो होगा। शांत बिलोरे, देख अभी कैमरा स्टार्ट होगा और तू भूलना मत फिर। पता नहीं गाइस कैमरे को क्या हो गया था, मैंने तो बस अभी चार्ली का नाम ही लिया था। खैर चार्ली चार्ली आर यू देयर? क्या मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे? अभी तेरे चैनल पे 1K हुए नहीं और तू 1 मिलियन के सपने देख रहा है, कुछ और पूछ। ठीक है चार्ली चार्ली, ये जो बंदा हमारी वीडियो देख रहा है क्या वो लाइक और सब्सक्राइब करेगा? थैंक्स यार रोहन फूक मार के हमारी वीडियो को हिट करने के लिए। रोहन रोहन, मैंने सपने में अभी भी एक गोटा देखा। अगर रोहन ने फूक नहीं मारी तो फिर सैंडी ने मारी होगी। अरे भाई क्या बात कर रहे तू, मैं तो तेरे साथ वीडियो में ही था। अगर तुम लोगों ने फूक नहीं मारी तो ये डंडी हिली कैसे? हेलो गाइस, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।